गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। टुडे इन इंग्लिश दिस इज योर रिवीजन वर्क, दिस इज योर रिवीजन वर्क। एंड यस्टरडे वी डिड टू लेटर साउंड। कल हमने क्या किया था, टू लेटर साउंड स्टार्ट किए थे। तो टू लेटर साउंड हमारे कौन से थे, टी एच हमारे लेटर्स थे, थ क्या कहते हैं इसे, थ क्या कहते हैं इसे, थ, और एक साउंड से और बोलते हैं इसको द, थ और द, थ द। अब जब मैंने थम बोला तो वो थ से शुरू हुआ, इट मीन्स टी एच, और मैंने जब द बोला तो टी एच से स्टार्ट हुआ, यानी दिस। ठीक है, सो देखें हमारे वर्ड्स कौन से हैं। आज का जो हमारा वर्क है वो रिवीजन वर्क है। ये देखो द, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, द। अब द में ई की कहाँ साउंड है, नहीं है ना, लेकिन ई एक फ्रेंड है जो साथ में तो लग जाता है वर्ड के, लेकिन इसकी क्या साउंड नहीं होती है, ये साइलेंटली आ जाता है, चुपचाप आके लग जाता है और इसकी कोई साउंड नहीं होती है। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, इस वर्ड को दी या द, द कैट बोलते हैं ना, द रिवर, द हिमालय, द हाउस, दिस इज द। दिस द इ सा दिस, द इ सा दिस, दिस कैट, दिस हाउस जो हमारे पास में है उसे हम दिस बोलते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। दिस इज कार, दिस इज फोन, दिस इज अ कार, दिस इज अ फोन। दैट द एट दैट, अब दैट जो दूर है, That is a house. That is a car. That is a cat. That, देखो द से शुरू हो रहा है, दैट बोल के देखो, दैट तो द यानी टी एच, द एट अ दैट। दीज, अब दीज में ई क्या आ गया, फ्रेंड आ गया साइलेंटली, दीज, द इज अ फिर ए, दीज। दोज, द ओ स, फ्रेंड लग गया साथ में, दोज। अब ये हमारे थ से शुरू होने वाले शब्द आ गए, थ से टी एच साउंड, थ वर्ड्स हैं ये, थंब, थ अ म ब थंब, थिंक, थ इ न क थिंक, ब ओ थ बोथ, ब ए थ बाथ, प ए थ पाथ, क ल ओ थ क्लॉथ, क ल ओ थ क्लॉथ। अब ज्यादा कपड़े तो क्लॉथ्स लिखा हुआ है, थ्रो, थ र अ उ थ्रो। सो आपको आज ये वर्क करना है नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर, और मेरे पास सेंड करना है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।